क्या रह गया, अपडेट क्या है? सर अपडेट ये है, साउथ एमसीडी ने जैसे आपने लेटर लिखा था उसको पूरी तरह से उस पर अमल किया है, और साउथ एमसीडी ने दिसंबर में 2 पर्सनल रिमाइंडर भेजे नॉन ज्वाइनिंग को, लेकिन ईस्ट में और नॉर्थ में हमने पर्सनल मीटिंग की है डायरेक्टर से, वहाँ पे पता किया है जो भी वहाँ पे टीआरसी सेल में है वहाँ से पता चला है, वो कह रहे हैं हमारे पास मैन पावर कम है, उन्होंने अभी तक कोई भी रिमाइंडर प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, जबकि 31 दिसंबर तक उनको सब कुछ रिजेक्शन का काम करके साउथ एमसीडी को डोजर भेज देने थे। मेन बात ये है कि साउथ ने तो किया है आपके लेटर पे काम, और नॉर्थ और ईस्ट अभी तक सोए हुए हैं, उनको थोड़ा जगह होगा। बाकी हमारी जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, बट हम ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहे जैसा एसजीएमसी ने काम किया है। काम करता जा रहा है, आपको जब दिखेगा, जब आपका नाम जो है ना वो आपकी लिस्ट में से जंप करके जो है ना वो एमसीडी तक पहुंचेगा। सर काम करते तो ऐसा लेटर हमें सर, एक्चुअली हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी उन्होंने उन्होंने खुद ने जो गिवन टाइम दिया है वो उस टाइम में काम करे, हम इतना चाहते हैं। खुद ही सबको दिया है कि 31 दिसंबर को दो रिमाइंडर जाएंगे उनको, सर इसी पे ही अमल नहीं कर रहे वो लोग, बस हम ये कमिश्नर की मीटिंग में डिसाइड हुई है ये बात। नहीं, एक तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसी होंगी और जो आपकी वेटिंग लिस्ट होगी उसमें से बच्चे आएंगे ही आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ना क्योंकि कोर्ट का भी ऑर्डर है और उसी कोर्ट के ऑर्डर को दिमाग में रख के डीएसएसबी ने वो वेटिंग लिस्ट बनाई है। पहले पिछले कई साल पहले ऐसा होता ही नहीं था, वेटिंग लिस्ट होती ही नहीं थी, तो इसलिए वो कोर्ट ऑर्डर है। और आइडिया ये है कि वेटिंग लिस्ट इसलिए है कि अगर वो अनफिल्ड वैकेंसी रह जाती है जो डोजियर उन्होंने इनिशियली भेजी है, तो वो उससे जो है फिल हो जाए, जिससे कि बच्चों को जो है पूरे टीचर मिल जाए और जीरो वैकेंसी हो जाए, दैट इज द होल आइडिया। अब जहां तक आपका ये लेटेस्ट है कि हमने जब लेटर लिखा था अमेरिका से, कितने दिन हो गए, दिसंबर में, 4 दिसंबर को लिखा था, 1 महीने हो लिखा था, तो उसका जो आप बता रहे हैं उससे कुछ रिएक्शन जो है वो नजर आ रहा है साउथ में, और साउथ ने 2 लेटर भी आप बता रहे हैं लिखे हैं, तो अब हम ये करेंगे कि एक लेटर तो हम ईस्ट को और नॉर्थ को कमिश्नर को लिखेंगे, और उनको लिखेंगे कि साउथ वाला, साउथ दिल्ली वाला जो है वो तो साउथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एसडीएमसी वो तो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आप पता नहीं शायद सोए हुए हो, हमें कोई दिख नहीं रहा है, और इससे सारा प्रोसेस डिले हो जाएगा, और जो पर्पज है वेटिंग लिस्ट बनाने का ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिफीट हो जाएगा। तो एक लेटर तो लिखेंगे, उसकी कॉपी एसडीएमसी कमिश्नर को भेजेंगे, दूसरा एक एसडीएमसी कमिश्नर को भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि आप क्योंकि नोडल एजेंसी है, लॉ में नोडल एजेंसी है, इसलिए आप जो है ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी को आप उनसे पूछो कि भाई व्हाट इज द स्टेटस, आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, और अगर आपने प्रोसेस कर लिया है तो आप हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजो, जिससे कि हम डीएसएसबी में लिखें कि भाई आप अपनी जो है वेटिंग लिस्ट से हमें लोगों को भेजो, ठीक है। तीसरा लेटर हम एसडीएमसी कमिश्नर को लिखेंगे, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी तारीफ उसके अंदर लिखेंगे और कहेंगे कि आप से उम्मीद है कि आप इसको नेक्स्ट मतलब एंड ऑफ जनवरी समझ लो, एट द मोस्ट एंड ऑफ जनवरी तक जो है ना आप इस प्रोसेस को अपना सेटल कर देंगे, और उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक से वी कैन एक्सपेक्ट कि आप वेटिंग लिस्ट से आप लोगों को लेंगे। तो मुझे लगता है ये सोल्यूशन ओवरऑल, और कोई सजेशन आप लोगों को किसी को देना हो? ये बिल्कुल सही है, अगर इस पे अमल हो जाता है ना सर थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमारा पैनल की डेट भी बच जाएगी सर, और प्रोसेस क्योंकि आगे भी ये डिले ही करेंगे, अब तक जैसे जैसे करते हुए आए हैं डिले, तो अगर आगे के प्रोसेस भी जो है ये डिले